बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बाज़ार के निस्बत बहुत ही सस्ता, खट्टा मीठा और बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी कॉर्नफ्लोर के, बग़ैर किसी मेहनत के, बाज़ार से भी बहुत ही सस्ता और झटपट में और बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो जैम बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी मेहनत और पैसे ज़ाया ना हो। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो अदद छोटे साइज़ के आम लिए हैं, इनको धो लिया। ये वो वाले आम हैं, खट्टे आम, जो नॉर्मली आप लोग पुदीने की चटनी वगैरह में यूज़ करते हैं। इनको अच्छी तरह से धो कर तो पील ऑफ कर लेंगे, छिलके इसके उतार लेंगे। अब जो इसका वाइट वाला पार्ट है, इसका जो गूदा है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और जो गुठली है इसको फेंक देंगे। ये खट्टे वाले कच्चे आम हैं, इसका जो जैम है बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा बनता है। अब यहाँ पर मैंने सारा गूदा सेपरेट कर लिया है। अब एक सॉस पैन ले लें, इसमें दो गिलास मैंने पानी ऐड किए हैं और जो सारा गूदा था मैंगो का इसमें ऐड कर दिया है। इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेंगे, जब तक मैंगोस का मुकम्मल तौर पर असर ना निकल जाए और जो मैंगोस हैं वो अच्छी तरह से गल ना जाएं, पक ना जाएं। इसको मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया था। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद हमने एक जूसर ले लेनी है, इसको ग्राइंड कर लेना है। इसका मैंने ग्राइंड भी कर लिया है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। ये एक जूस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोबारा से इसको सॉस पैन में ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1/2 कप चीनी का ऐड कर देंगे। इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। अब इसके साथ ही थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़रदा कलर ऐड किया है। 1 चम्मच पानी में 2 चुटकी ज़रदा कलर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके तो इस मटेरियल में ऐड कर दिया। अब हमने इसको कम से कम थिक होने तक पका लेना है। इसमें मैंने किसी भी किस्म का कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया, उससे इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, वो मज़े का नहीं लगता। इसको हमने ऐसे ही थिक करना है, मैंगो की प्यूरी से ये खुद ही थिक हो जाएगा। इसको बार बार आपने चेक भी करते रहना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसमें थोड़ी सी स्मेल पैदा हो जाती है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म नहीं होता। अब यहाँ पर काफ़ी थिक हो चुका है, फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लिया। अब कोई भी आप बॉटल वगैरह ले लें, उसमें इसको ऐड कर दें। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके तो फ्रिज में रख देंगे। जब मुकम्मल ठंडा होगा तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा ये जैम बनेगा। तो यहाँ पर आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली बताएगा मेरे व्यूवर्स आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।